हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स 2019 काउंसलिंग के बारे में। ओपन राउंड काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन जो है ओपन हो चुके हैं और जो डेट के अंदर बदलाव हुआ है उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स आ गई है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हम जैसे कोई नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख पाओ। तो फ्रेंड्स देखिएगा, 18 अगस्त को जो है ये नोटिस आया है कि रीशेड्यूलिंग ऑफ ओपन राउंड ऑफ काउंसलिंग MBBS 2019 के लिए जो है 20 और 21 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 26 व 27 अगस्त को जो है आपकी काउंसलिंग होगी 26 व 27 को। और नीचे जो है रीओपनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ओपन राउंड ऑफ काउंसलिंग टिल 21 अगस्त, 21 अगस्त तक आप शाम 5 बजे तक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन जो है पहले 9 अगस्त को होने थे वो अब जो है 18 अगस्त को हुए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिज जो है वो पहले 16 अगस्त को होने थे, अब 21 अगस्त को होने वाले हैं। और काउंसलिंग जो है वो 20 और 21 अगस्त को होनी थी लेकिन वो अब 26 व 27 अगस्त को होगी। और फ्रेंड्स नीचे जो है ये नोटिफिकेशन में बता रखा है कि अगर काउंसलिंग जो है पहले दिन 26 तारीख को ही सारी सीट फिल हो जाती है तो 27 अगस्त को नहीं करवाई जाएगी। काउंसलिंग जो है दोनों दिन जब ही करवाई जाएगी तब सीट वैकेंट रह जाती है। अगर पहले दिन ही मतलब 26 तारीख को ही आपकी सारी की सारी सीट जो है फिल हो जाती है तो 27 अगस्त को जो है काउंसलिंग नहीं करवाई जाएगी, ये नीचे लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें भी अपडेटेड रहने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।